जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ट्विटर अर्थात एक्स पर एनसीटी के द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें उन्होंने 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बारे में चर्चा किया था। ऐसे में बहुत से बीएड के भाई और बहन यह जानना चाहते हैं कि क्या वह यह ब्रिज कोर्स कर सकते हैं और यह ब्रिज कोर्स करके क्या वह उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। इस तरह का बहुत सा कमेंट आया था, तो आपको बताना चाहता हूं कि यह जो ब्रिज कोर्स है, यह आपको पता होगा कि 2018 में बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित किया गया था। 28 जून 2018 को जो एनसीटी की गाइडलाइन जारी हुई थी उसके तहत यह था कि बीएड को भी प्राइमरी में मौका दिया जाएगा और जब चयनित जो शिक्षक होंगे उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट कराएगी। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वह समय सीमा जो 2 वर्ष का था वह बीत चुका था। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब यह मैटर बीएड और बनाम डीएलएड का मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में रन कर रहा था, अंततोगत्वा बीएड के जो कैंडिडेट चयनित हैं उनकी नौकरी सुरक्षित हो गई थी। और अब जा करके अब जो कर रहे हैं बीएड, समझ रहे हैं, तो उनको अब मौका नहीं दिया गया था। तो यह जो कोर्स है, यह कोर्स वो जो चयनित हैं, चयनित बीएड के अभ्यर्थी जो प्राइमरी के शिक्षक बने हुए हैं उनके लिए यह कोर्स रहेगा और वह इसको करके अपनी नौकरी को सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि जब तक वह इसको करेंगे नहीं, और चूंकि यह नियम भी था कि जो चयनित हैं वह 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे और गवर्नमेंट उनको कराएगी, तो अब विभाग के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा उनको उन चयनित शिक्षकों को यह कोर्स कराया जाएगा। बाकी ये जो फ्रेश बीएड किए हुए हैं जो वर्तमान में प्राइमरी से वंचित हैं, अगर वो कर भी लेते हैं वो तो अगर राज्य सरकार कराएगी तो वो कर भी नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं, केवल शिक्षकों के लिए ही वह होगा। बाकी अपने से ऐसा नहीं कि आप कोर्स कहीं अन्य जगह अगर हो रहा हो आप कर लिए, तो अन्य जगह तो कहीं कोई संचालित भी नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके यही है कि कुछ लोगों का कमेंट आया था कि जो पहले से कर लिए हैं एनआईओएस से, बहुत से लोगों के द्वारा शायद हुआ था, तो आपको बताना चाहता हूं कि चाहे पहले कर लिए हों या बाद में करने की चेष्टा हो, कुल मिला करके यही है कि यह केवल जो चयनित शिक्षक हैं उनकी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए है। अभी ऐसा नहीं है कि जो लोग वर्तमान में बीएड कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, जो वंचित हैं वह अगर ऐसा करके और प्राइमरी में सम्मिलित हो पाएंगे, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। धन्यवाद।